हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार वेबसाइट की सहायता से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे नंबर पर कितना सिम एक्टिवेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार की सहायता से पता करने के लिए आपको आपका आधार जो है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी नंबर पर एक OTP आएगा। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए सर्च करते हैं UIDAI। यहाँ पे सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपको हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पे 3 डॉट पे राइट कॉर्नर पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट का अनुरोध करें। यहाँ से डेस्कटॉप साइट, अब देखिए ये डेस्कटॉप साइट में खुल गया है। आपको दिखाते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करें। सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट आधार पे, यहाँ पे आपको दिखेगा गेट आधार वाले ऑप्शन में आप देखेंगे आपको दिखेगा डाउनलोड आधार का ऑप्शन। तो आप ये देख सकते हैं डाउनलोड आधार पर क्लिक करें। डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आधार का ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ से फिर डेस्कटॉप साइट का अनुरोध करें, क्योंकि बीच बीच में डेस्कटॉप साइट जो है हट जाता है। डेस्कटॉप साइट का अनुरोध करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा व्यू मोर ऑप्शन पर क्लिक करें। व्यू मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा आधार ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखिए आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में कई देखिए फेंक दिया गया है, तो कई क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप इसमें चेक करिए, यहाँ पर दिया है वेयर कैन IIA रेसिडेंट चेक आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे क्लिक करके आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करिए। आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप जिस आधार का भी स्टेटस जानना चाहते हैं कि वह आधार कितने मोबाइल नंबर से लिंक है, यहाँ पे आधार नंबर अपना डालें। अब यहाँ पे देखिए हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और इसको कैप्चा सिक्योरिटी कोड आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप वहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन टाइप पे आप आल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप आल पे क्लिक करने के अलावा कहाँ कहाँ आप बायोमेट्रिक अपना अंगूठा कहाँ कहाँ लगाए हैं, कहाँ कहाँ पे आपने OTP कहाँ कहाँ गया है, तो उस पर आल पे ही क्लिक कर दीजिए आप। उसके बाद आप कब से कब तक देखना चाहते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं मान लीजिए जनवरी से, अभी जुलाई चल रहा है तो जनवरी से जुलाई तक का हम स्टेटस देखना चाहते हैं। जनवरी से जुलाई तक एंड डेट में आप लास्ट डे डाल दीजिए, डेट जहाँ तक आप देखना चाहते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड, आप कितने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 50 रिकॉर्ड आप एक बार में देख सकते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम 5 रिकॉर्ड डाल देते हैं। हमारे पास एक OTP आया है, हमने यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करिए, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको खुल के आ गया एक, यहाँ पे देखिए आपकी हिस्ट्री आ चुकी है। हमने यहाँ पे देखिए एक तारीख, ये आपको डेट और टाइम दिया है। यहाँ पे 13/5/2020 को हमने बायोमेट्रिक का अंगूठा लगाया था 3:06 पे बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं NIC में जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक लगाया था। आप सारी हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने एक PDF आ जाएगा, उसमें आप अपनी सारी हिस्ट्री देख सकते हैं। देखिए डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड हम डाल सकते हैं, इसमें पासवर्ड डाल दें अपने जो आपका नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में डाल के। यहाँ पे पासवर्ड इंक्रीट बता रहा है, आप अपना नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 1999 आपका लास्ट है, तो वहाँ पे डाल के आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।